हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीनस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तो लो लो इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जैनल क्या थी मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स की है मतलब घंटे और मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर की जानवर से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर की से जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड जेन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मील म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्स ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट किस डेट पर रिलीज किया गया तो 25 2000 इस की थी। मतलब पच्चीस अगस्त दो इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये चल रही थी। आप लोग वहां पर मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे इंडिया कंट्री की मूवी थी अंदर यूज किया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया तो अभी हम लोग बात कर जो कि बजट एंड बॉक्स ऑफिस है लगाया कितना एंड कमाया कितना मतलब

डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीनस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन नौटिक आप लोगों तक आसानी तो लोग लोग इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जर्नर क्या थी मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रेटिंग्स रही लोगों ने कितने किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानवर से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में नहीं कि नहीं। इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस निय। मूवी निय। के आर्ट वाले को किया. अगर हम बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक दिखाई देंगे जिन्होंने इस के आर्ट किया। वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो इन्हीं दो ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके से जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट तो डे थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया रिलीज गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कमज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो आपको इस के बारे में लाइक कर, दी तो तो कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जर्नर क्या थी मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू तो हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रेटिंग्स रही, लोगों ने कितने किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे सुरेंद्र कपूर जी बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस के इस के को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी, जी तो आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी आर्ट वाल को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसेंस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है से अरेंज किया जिसकी वा... जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की मैंने काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी भी रही होगी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो, पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जैनल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रेटिंग्स रही, लोगों ने कितने किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे कौन से प्रोडक्शन को संभाला तो सुरेंद्र कपूर जी और उनके साथ बने कपूर जी तो आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी आर्ट वाल को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसेंस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है से किया जिसकी वजह से कलेक्शन करने में बहुत अगस्त टू मूवी की रिलीज डेट, 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 तो डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी में जिस हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ही किसी

ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है Like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन नौटिक आप लोगों तक आसानी तो लोग लोग इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जैनल क्या मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टाकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रेटिंग्स रही, लोगों ने कितने किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानवर से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन का जेन एंड जेन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी एंड उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में के इस कि इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे को अरेज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज़ को अरेंज किया जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्सोज कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी Means किस डेट पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू थाउजेंड इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घर में चल रही

इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो रहा यहाँ पर थर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज का जी दोस्तों जस्ट नौ करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर तीस इशारे छब्बीस करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम कमज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब

जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीज मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तो लोग लोग इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जैनल क्या मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रेटिंग्स रही, लोगों ने कितने किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी तो आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले

जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक जैसे किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जैनल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर सुरेंद्र कपूर जी न, उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले

जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको हेल्पफुल नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूडियो की नौटिक नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जर्नल क्या थी मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जैन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे उसी के बारे में सुरेंद्र कपूर जी बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है से अरेंज किया जिसकी वाँ... जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लंगवेजेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड एंडवेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो काफी हेल्पफुल भी होगी आपको देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जर्नल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

के यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन जैन एंड जैन राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी एंड उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की को अरेंज किया जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्सो कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी किस डेट पर रिलीज किया गया तो ट्वेंटी टू थाउजेंड इस मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में चल रही है

इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो रहा यहाँ पर थर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज का जी दोस्तों जस्ट नौ करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर तीस इशारे छब्बीस करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम कमज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीज मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए ताकि हर आप तक तो जी, wasting, हम लोग मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जर्नर क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है. मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवी से को सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद राजा जी आपको इस मूवी का स्टोरी लाइन राइटर स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी और उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने कलेक्शन जिसकी 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 करने में बहुत ज्यादा हेल्प हा... हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट किस डेट पर रिलीज किया गया तो अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो हजार को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम घरों में चल रही

इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो रहा यहाँ पर थर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज का जी दोस्तों जस्ट नौ करोड़ इंडियन रुपीज लगाकर तीस इशारे छब्बीस करोड़ इंडियन रुपए कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब

जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए ताकि हर न्यूटिशन आसानी पहुंचती रहे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी की जर्नर क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपका रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड फोर्टी फाइव मिनट की है. मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानब से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवी को सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद जेन एंड जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यून को ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस रिलीज डेट किस डेट पर रिलीज किया गया तो 25 अगस्त 2000 इस की रिलीज थी। मतलब पच्चीस अगस्त दो मूवी को, इस को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये चल रही थी। आप लोग वहां पर इस को इन्जॉय कर पा रहे थे इंडिया कंट्री की मूवी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया तो अभी हम लोग बात हैं मेन क्वेश्चन जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस है लगाया कितना एंड कमाया कितना मतलब

टली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक like किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी के जर्नर क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के के टाइम ड्यूरेशन बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है. मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की और एक लोगों इस की रेटिंग्स के बारे में कि अलग -अलग के इस मूवी को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई की डीबी से मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग्स मिली थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद जेन एंड जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहां पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते, लेते, लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहां पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट आटोल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रब्यूशन संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लंगवेजेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की मैंने और आपके लिए काफी हाल्फ पुल भी होगी के के देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक like किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची तो रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में कि इस मूवी के जैनल क्या थी मीनस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है. मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की और एक लोगों इस की रेटिंग्स के बारे में कि अलग -अलग के इस मूवी को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई की डीबी से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो आई की जानव से जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला एंड बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है से अरेंज किया जिसकी वजह जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लंगवेजेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये, कर दी आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और तो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस मूवी के जर्नर के बारे में इस मूवी के जर्नर क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के के टाइम ड्यूरेशन बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है. मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है को किया, जिसकी वजह जिसकी से बॉक्स कलेक्शन करने में मूवी साथ साथ कर को रिलीज डेट तो थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लंग्वेज में जस्ट हिंदी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतब तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है Like you, किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे को भी ताकि हर न्यूटिशन आसानी पहुंची रहे थे आज की को, पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में इस मूवी की जर्नर क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानवर सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है को किया, जिसकी वजह से ऑफिस कलेक्शन करने में मूवी साथ साथ कर को रिलीज, किया गया, तो 25 2000 इस की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस ये चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंडवेज में जस्ट हिंदी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की को, और पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में इस मूवी के जर्नर क्या थी मीन मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

के की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूज की जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद जेन एंड जेन एंड भूपति राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहां पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले Editing's को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी व... जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लंगवेजेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जो हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की को, और पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में इस मूवी के जर्नल क्या थी मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के के टाइम ड्यूरेशन बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

के की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के जानव वो बहुत जबरदस्त तो रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे संभाला तो यहां पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में जेन एंड जेन एंड भूपाती राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स by... के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी और उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहां पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाले

जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लंगवेजेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जो हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की मैंने के बारे में लाइक कर, दी तो तो कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलता है किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में इस मूवी के जर्नल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के के टाइम ड्यूरेशन बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 77 तक लाइक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के वाल ऑलिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है को किया जिस वब, जिसकी वजह से इस को जो है करने में बहुत किया गया तो 25 इस की थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया, गया। इंडिया के तमाम घरों में इस दिन चल रही थी तो आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी में जैसे हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मतबाबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीज लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में किस मूवी के जर्नर क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हावर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 77 तक लाइक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद जेन एंड भूपाती राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस के उसी के बारे में तो सुरेंद्र कपूर जी एंड बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिटोग्राफी के बारे में सिनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभालां बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को किया जिसकी वजह जिसकी से इस को जो है करने में रिलीज के साथ साथ हम बात कर इस की रिलीज डेट, के बारे में। की रिलीज डेट क्या थी? किस पर रिलीज, तो रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी में जिस हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो यह आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आपको इस मूवी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई आई होप वीडियो काफी पसंद होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक दस्तवाइ किस तरीके की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीज लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी के जैनल क्या थी मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हावर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 77 तक लाइक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसेंस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है को किया जिसकी वजह जिसकी से बॉक्स करने में मूवी साथ साथ कर को रिलीज, किया गया तो 25 2000 इस की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थे जिस हिंदी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इनफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीज लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में किस मूवी के जैनल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हावर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है। मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 77 तक लाइक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद जेन एंड एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी एंड उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह तो हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने कलेक्शन जिसकी 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 करने में इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या को रिलीज किया गया तो अगस्त टू डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में

इंडियन रुपीज का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो रहा यहाँ पर थर्टी पॉइंट ट्वेंटी सिक्स करोड़ इंडियन रुपीज का जी हाँ दोस्तों जस्ट नौ करोड़ इंडियन रुपीजा तीस इशारे छब्बीस करोड़ इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब

जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इनफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नौटिक नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी के जैनल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू हवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो पर जय जेन जैन एंड भूपाती राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते तो तो हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाले एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो में आपको इस के बारे में डिटेल्स कर दी है। चाहिए या नहीं तो वीडियो, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए प्रेस कर दीजिए ताकि हर नी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलता है किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीज लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो चलिए जी विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की वीडियो को, और पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में कि इस मूवी के जैनल क्या थी मीज इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड फोर्टी फाइव मिनट की है। मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को तक लाइक लाइक किया गया, तो किया गया। यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी वाली के वाली पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहां पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज अरेंज किया जिसकी वजह जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये, आपको ये वीडियो पसंद होगी और आपके लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलता है किसी नई वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी साल दो हजार में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक दस्तवाइ किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीज लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए ताकि हर आप तक तो जी, wasting, हम लोग मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी की जैनल क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 77 तक लाइक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसेंस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है अरेंज किया जिसकी वजह जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो यह है, आपको ये वीडियो पसंद है और आपके लिए हाल्फ पुल भी रही ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलता है किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप तो लोगों को आसानी पहुंची एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी के जैनल क्या थी मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रही, लोगों ने कितने तक किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जो कि जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को तक लाइक लाइक किया गया पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सात कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो परसेंस ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है

ये एक सुपर हट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों न्यूटिकेशन लोग पहुंची एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे थे आज की इसी वीडियो को एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी के जैनल क्या थी मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आपको इस की में दिखाई देंगे इस के अंदर वर्किंग की एक लोगों के बारे में क्या अलग -अलग के इस मूवी की क्या -के रही, लोगों ने कितने तक किया इस को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई एम डीबी की जानव से क्या रेटिंग मिली तो आई एम डीबी की जानव से जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो पर जयन जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाली एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी के जैनल क्या थी इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

गल के यूजर्स की जानवर से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सेवेंटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाली

जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या की मीनस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो यह है, आपको ये वीडियो पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है के अंदर फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लादमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यूटिशन आसानी वेस्टिंग हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में जैनल क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

Google के यूजर्स की जानवर से मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जयन जेन, जेन एंड भूपा राजा जी आ, आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी मुख्य आर्ट वाली एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट ऑल म्यूजिक को अरेंज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज को अरेंज किया जिसकी जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हाँ हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीस किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक दस्तलाइए किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यूटिशन आसानी वेस्टिंग हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में जैनल क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है Means इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को तक लाइक लाइक किया गया, तो की की किया गया। यहां पर भी इसकी एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त रही तो इतनी जबरदस्त रेटिंग मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहां पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहाँ पर जयनंद

के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल ऑल को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज अरेंज किया, जिसकी वज़... जिसकी साथ साथ किया गया तो मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री मूवी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदे फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक दस्तलाइए किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लादमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यूटिशन आसानी वेस्टिंग हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में जैनल क्या थी मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है Means इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मतबाब तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की से इस जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त रही तो इतनी लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो यहां पर जय जयन जैन एंड भूपाती राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे इस के स्टोरी को किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी मूवी के से के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने प्रोडक्शन को संभाला तो सुरेंद्र कपूर जी एंड बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में इस के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को अरेंज किया था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जो है चीज अरेंज किया, जिसकी वज़... जिसकी हाँ साथ साथ किया गया तो मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री थी एंड लैंग्वेज में लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी

ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2000 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हमारा दिल आपके पास है को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जैनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लादमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यूटिशन आसानी पहुंचती हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में जैनल क्या थी मीन के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगा उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है Means इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड मिनट्स की है मतलब दो घंटे और पैंतालीस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अनिल कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन सतीश कौशिक सोनाली बेंद्रे अनुपम खेर

यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की से इस जानवर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया यहां पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त रही तो इतनी लेने वाली मूवी के पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इनफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला तो यहाँ पर सातेश कौशिक जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर्स के बारे में तो पर जय जयन जेन एंड भूपा राजा जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्पलीटली स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर सुरेंद्र कपूर जी एंड उनके साथ बने कपूर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं सिनेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो यहाँ पर कबीर लाल जी आपको इस मूवी के सिनेटोग्राफी को संभालते हुए दिखाई देंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की एडिटिंग्स को संभाला तो यहाँ पर चैतन्य तन्ना जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग को मैनेज किया म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर संजीव दर्शन जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेज किया चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो इन्हीं दो पर्सन ने सारे के सारे म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड एस के फिल्म एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अरेंज किया जिसकी व... जिसकी वजह से इस मूवी को जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल हुई उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो ट्वेंटी अगस्त टू तो इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब पच्चीस अगस्त दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों सिनेमा में इस दिन यह मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय कर पा रहे थे कंट्री एंड लैंग्वेज की बात कर ले तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया

से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए तो ये ये थी आज की वीडियो वीडियो जिसमें मैंने आपको आपको इस मूवी के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक